मोदी जी विकास दिखाएंगे जो पैदा ही नहीं हुआ, वो विकास दिखाएंगे इंडिया का जो पैदा ही नहीं हुआ। मोदी ने स्टेशन पे एक बैग मिल गया था जिसमें ज्वेलरी थी, शायद बहुतों को ये बात नहीं पता होगी, मोदी ने इसके फादर ने मिल गया था। इसके फादर ने वो बैग रख दिया घर में, मोदी उसने बेच के खा गया था, मोदी का फादर उस अटैक में मर गया था। एक राजा की जान तोते में थी, ऐसे ही बीजेपी की जान जो है ना ईवीएम में है। ये इसका घटियापन है सरकार का, दीवार करके विकास ही तो दिखा रहे हैं वो, कि देखे रात रात दीवार हो जाती है हमारे, वो विकास नहीं दिखा रहा। वो झुग्गी कोर कर रहा है, कदे ट्रंप झुग्गी ना देख ले कि इंडिया में झुग्गी भी हैं। ये तो वहाँ पढ़ाई कराया ना, इन इंडिया ऑल इज वेल। अब मेयर कह रही है इसने सुनो, इसने अमेरिका में जाकर झूठ बताऊ क्यों बोला, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और इसको झूठ बोलने के लिए इंडिया पड़ गया छोटा, झूठ भी अमेरिका में जाकर बोलनी पड़ी। इन इंडिया ऑल इज वेल, लेकिन इंडिया में क्या ऑल इज वेल है? महिलाएं सुरक्षित या नहीं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जवानों की शहादत हो रही है, मजदूर सीवरों की सफाई करते हुए मर रहे हैं, क्या ऑल इज वेल है? लेकिन अहमदाबाद की मेयर कह रही है हमें पता ही नहीं कौन कर गया रात को दीवार, हाँ उन्हें पता ही नहीं है, उस बारे में जानकारी नहीं है। ये दीवार बनाने में कितना खर्चा होगा? मेयर को तू 10 ईंट नहीं दे सकता, वहाँ सीमेंटेड दीवार हो रही है और पिलर भी लग रहे हैं, पिलर के साथ सीमेंटेड दीवार हो रही है। मेयर करिए हमें पता नहीं दीवार कौन कर गया। वाह मोदी जी वाह, दीवार के पीछे पड़े हो, स्टेडियम नहीं देख रहे कि सबसे बड़ा स्टेडियम बना दिया, मूर्ति बना दी, वही तो दिखाएंगे। सबसे बड़ी मूर्ति बना दी भाई, मूर्ति बनने से सबको रोजगार मिल गया, उस मूर्ति पे उसके सर पे बैठ कर कबूतर बीट करेंगे, इतने ऊपर से कौन सफाई करेगा? अगर बीजेपी सरदार पटेल के लिए जागरूक है और उसको सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहती है, सरदार पटेल की क्या इच्छा थी? आरएसएस बैन, आरएसएस को बैन कर देते हैं। जैसा कहा जाता है कि सरदार पटेल ने आरएसएस को छुड़ाया, अब बैन। एक मिनट सर, जैसे कहा जाता है कि ट्रंप थोड़े से कुछ भी दिमाग से कर देते हैं, अगर उनके मन में आया कि मुझे झुग्गी देखनी है भारत की, तो फिर मोदी जी क्या करेंगे? मोदी जी विकास दिखाएंगे जो पैदा ही नहीं हुआ, वो विकास दिखाएंगे इंडिया का जो पैदा ही नहीं हुआ। झुग्गी कैसे दिखाएगा? ट्रंप कहने लगे मैं झुग्गी दिखाओ तो फिर क्या हो, फिर तो दीवार बेकार हो जाएगी, नहीं दिखाएगा ना। वो कहेगा हमारे पास झुग्गी है नहीं, सब पक्के मकानों में रहते हैं, लटरे मकानों में। अब प्लेन में ऊपर से देख लिया तो है? प्लेन से सीधा उतर जा, कहाँ खुलेंगी उसकी। अच्छा एक बात और सुनो, मोदी ने क्या कहा था? सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, क्या उस पर खरे उतरे? कितनी तो खरी सरकार है, हर काम डंके की चोट पे करती है, और कितनी डंके की चोट पे करती है। यूपी में 340 से ज्यादा एमएलए हैं, कितने मुसलमानों को टिकट दिया इसने, कहाँ गया सबका विकास? वो तो मना करते हैं, हम देते नहीं ना, हमें वोट चाहिए। इसका मतलब मुसलमानों पर इसको विश्वास नहीं है। दिल्ली में भुगते ना, केजरीवाल ने कितने मुसलमानों को टिकट दिया और रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीते हैं वो। यूपी में भी तो मुसलमानों को टिकट नहीं दिया, वहाँ भी तो जीते वो, यूपी को तो देखो। ये चढ़ गई काट की अंडी, एक बार दोबारा नहीं चढ़ेगी। क्यों नहीं चढ़ेगी? ढाई ढाई लाख नहीं चढ़ेगी। वो क्या कह रहे थे, हमने काट की अंडी चढ़ी नहीं, चढ़ाई नहीं, दोबारा चढ़े। फिर केजरीवाल क्या कहा, आतंकवादी है केजरीवाल ने, लोग अंडी मार टैक्स लगा दिया, वो अंडी चढ़ गई। घर घर में सिलेंडर पहुंचा दिया, ढाई ढाई लाख रुपए मकानों के लिए मिलने, लैट्रिन पहुंचा दी, देश में भ्रष्टाचार खत्म हो गया। आप कह रहे हो विकास पैदा ही नहीं, सिलेंडर पहुंचा दिए, जिन ग्राम में सिलेंडर पहुंचाए वो एक एक सिलेंडर भरे भरे पहुंच गए। उसके बाद लोगों ने सिलेंडर जंगलों में फेंके हैं और जंगलों से सिलेंडर मिले हैं, उनके घर में जगह नहीं सिलेंडर रखने की, ना उनके बुराने की औकात। हर पेट्रोल पंप पे तो पोस्टर लगा हुआ मोदी सिलेंडर लेते हुए जाते हैं। ऐसा है, जितना खर्चा इन्हें पोस्टर पे कर दिया ना, इतना खर्चा अगर गरीबा पे करता तो इसको प्रचार की जरूरत नहीं पड़ती। देखते हो ना, हर पेट्रोल पंप पे मोदी जी का नूरानी चेहरा। केजरीवाल ने भी तो प्रचार किया, उसके बारे में क्या?
केजरीवाल ग्रेट प्रचार करे तो कामयाब हो गया ना, वो प्रचार करे तो सही, मोदी जी प्रचार करे तो गलत। प्रचार सबको साथ लेकर करो, प्रचार सांप्रदायिक सांप्रदायिकता के आधार मत करो। अच्छा, इनका राष्ट्रवाद जो था ना वो एंटी मुस्लिम था, बीजेपी का राष्ट्रवाद एंटी मुस्लिम था, केजरीवाल का राष्ट्रवाद सबको साथ मिलाकर चलने का था, काम का। केजरीवाल का राष्ट्रवाद कामयाब हो गया, बीजेपी का राष्ट्रवाद फेल हो गया। अच्छा, आपका कहने का मतलब के बारे में क्या विचार है? सबसे ज्यादा वोटों से जीता और वो दिल्ली पूछना पहले उससे जाकर। एक बात बताइए, मतलब अगर काम का प्रचार करे तो ठीक है, बगैर काम के प्रचार करे तो वो गलत है, आपका कहने मतलब ये है? बिल्कुल। अच्छा, मेरा आपसे सवाल है, क्या मोदी जी ने वाकई में चाय बेची थी क्या? अगर किसी ने चाय मोदी की बनाई हुई पी हो, कोई आदमी सामने ले आओ, मोदिया को क्लास फेलो रहा हो वो सामने ले आओ। ऐसा है, मोदी ने स्टेशन पे एक बैग मिल गया था जिसमें ज्वेलरी थी, शायद बहुतों को ये बात नहीं पता होगी, मोदी ने इसके फादर ने मिल गया था, इसके फादर ने वो बैग रख दिया घर में, मोदी उसने बेच के खा गया था, मोदी का फादर उस अटैक में मर गया था। क्या ईएम इन्हें खूब कोशिश करी पर इतना तगड़ा था ईएम छेड़खानी नहीं कर सके। सुनो, बीजेपी में तो मैं बैलेट पेपर से चुनाव करें, कांग्रेस 3-4 सीट जीती थी, जब उन्होंने कहा था बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, क्यों नहीं कराए? एक राजा की जान तोते में थी, ऐसे ही बीजेपी की जान जो है ना ईवीएम में है। चलो ठीक, तो केजरीवाल को जिता दिया तो धोखा देगी इस बार ईवीएम। बिल्कुल, ईवीएम भी काम नहीं आई। ठीक है, चलिए ठीक है।